हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज में क्या है, फोरामेन की सीरीज। स्कल के अंदर जितने भी फोरामेन्स हैं, मैक्सिमम हम फोरामेन्स को कवर करेंगे। फोरामेन्स में क्या है कि वो फोरामेन कहाँ लोकेटेड है और उससे क्या स्ट्रक्चर पास करते हैं और उसके क्या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। ये तीन टॉपिक हम तीन पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे और इनमें से मैक्सिमम ये बायोलॉजी के काम है। बायो में पूछा जाएगा हर स्टूडेंट से कोई ना कोई फॉर्मूला हेडमेक से और एग्जाम में भी एक 100 करोड़ के रूप में आ सकता है। तो आज हम उसी सीरीज में आज हमारा पहला जो फॉर्मेन है उसका नाम है फॉर्मेन मैग्नम। मैग्नम का मतलब जो सबसे बड़ा फॉर्मेन है स्कल के अंदर, तो वो फॉर्मेन मैग्नम है। किन किन हेडिंग्स को हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी लोकेशन और आइडेंटिफिकेशन की हम इसे कैसे लोकेट करेंगे, पता कैसे करेंगे कि फोरामेन मैग्नम कहाँ पर है। उसके बाद इसकी मेजरमेंट क्या है, इसकी लेंथ है, एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है, डायमीटर इसका। उसके बाद इसके कंपार्टमेंट, कौन इसे कंपार्टमेंट को डिवाइड करता है और कितने कंपार्टमेंट है इसके, किस कंपार्टमेंट से क्या स्ट्रक्चर पास करता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डेफिनेशन कि फोरामेन मैग्नम क्या है। फोरामेन मैग्नम इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन, ये देखिए ये क्रैनियल फोसा है। तो क्रैनियल फोसा में एंटीरियर क्रैनियल फोसा है, मिडिल क्रैनियल फोसा है, पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा है। तो पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा वर्टिकल कैनाल से कम्युनिकेट करता है थ्रू दिस फोरामेन, इस फोरामेन के थ्रू, इसका नाम है फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम के थ्रू पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा कम्युनिकेट विद द वर्टिकल कैनाल। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा एंड वर्टिकल कैनाल। उसके बाद लोकेशन, कहाँ पर लोकेट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। तो कोई भी स्कल है, स्कल को हम ऐसे पता करते हैं, ऊपर से देखेंगे नॉर्मा, सामने से देखेंगे तो नॉर्मा फ्रंटलिस है, साइड से देखेंगे नॉर्मा लेटरलिस है, और तो हम इंफीरियर भी हम स्कल को देखते हैं ऐसे, तो ये है नॉर्मल बेजल्स। तो हम स्कल लेंगे उसको ऐसे पलट देंगे तो ये सामने आ गया नॉर्मल बेजल्स। उसके बाद दो प्रोसेस है, मेस्टॉइड प्रोसेस। इन मेस्टॉइड प्रोसेस के मिडवे में जो तुम्हें फोरामेन नजर आएगा वो है फोरामेन मैग्नम, इट इज मिडवे बिटवीन टू मेस्टॉइड प्रोसेस ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल बेजल्स। तो ये नॉर्मल बेजल्स है क्योंकि नॉर्मल बेजल्स स्कल इंफीरियरली, जब स्कल को इंफीरियरली देख रहे हैं तो उसे नॉर्मल बेजल्स कहते हैं। उसका भी तीन पार्ट है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर पार्ट में दो मेस्टॉइड प्रोसेस के बीच में जो फोरामेन है उसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। उसके बाद मेजरमेंट, इसे क्या मेजरमेंट है। तो जो एंटेरो पोस्टीरियर है यहाँ से यहाँ तक एंटेरो पोस्टीरियर मार्जिन ये 3.5 सेंटीमीटर है और ट्रांसवर्स डायमीटर इसका, ये ट्रांसवर्स डायमीटर, ये ट्रांसवर्स डायमीटर इसका 3 सेंटीमीटर। तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इज 3.5, ट्रांसवर्स डायमीटर इज 3.3 सेंटीमीटर। उसके बाद कंपार्टमेंट, तो कंपार्टमेंट क्या है कि एलआर लिगामेंट है, ये एलआर लिगामेंट, ये क्या है एलआर लिगामेंट है, ये जो बीच में स्ट्रक्चर देखते हैं दिस इज एपिकल, दिस इज डेंस, टिप ऑफ डेंस, ऑफ डेंस इसका पार्ट है, एपिकल पार्ट ऑफ एक्सिस, एक्सिस वर्टिकल का है उसका पार्ट है, उसकी टिप है डेंस। इससे इससे लेके और इसके मार्जिन पर फोरामेन मार्जिन, फोरामेन मैग्नम के मार्जिन पर एक लिगामेंट अटैच होता है जिसे हम बोलते हैं एलआर लिगामेंट। ये एलआर लिगामेंट, ये एलआर लिगामेंट इस फोरामेन मैग्नम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसके आगे में इसे बोलते हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट और इसके पीछे से हम बोलते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इंटीरियर कंपार्टमेंट का नाम है पोस्टीरियर लिगामेंट क्योंकि इससे या तो बोन पास करते हैं या लिगामेंट पास करते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं पोस्टीरियर लिगामेंट कंपार्टमेंट। तो एलआर लिगामेंट है जो डेंस से मार्जिन से अटैच है वो फोरामेन मैग्नम को दो कंपार्टमेंट डिवाइड कर रहे हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर का नाम है पोस्टीरियर लिगामेंट कंपार्टमेंट जिससे सिर्फ
या तो बोन पास करेंगे, बोन पार्ट पास करेंगे, या फिर लिगामेंट पास करेंगे। तो लिगामेंट क्या है, जो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर से पोस्टीरियर, यानी फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड, आगे से पीछे, क्या क्या अटैच होगा। सबसे पहले है मैग्नम, सबसे पहले एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस। तो जो ये दिख रहा है ये क्या है, एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस। उसके बाद ये अपर बैंड ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट, अपर बैंड ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस, फिर है अपर बैंड ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट, और थर्ड है मेम्ब्रेना टेक्टोरियम। क्या है, मेम्ब्रेना टेक्टोरियम। और उसके बाद क्या है, टिप ऑफ डेंस एंड एलार्ज लिगामेंट, टिप ऑफ डेंस एंड एलार्ज लिगामेंट। दीज आर द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू ओसियो लिगामेंटस कंपार्टमेंट और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरामेन मैग्नम। अब जो एलार्ज और एपिकल लिगामेंट के जो पीछे है उस कंपार्टमेंट का क्या नाम है, न्यूरोमस्कुलर। न्यूरो का मतलब या तो ब्लड पास करते हो या फिर ब्लड वेसल्स पास करते हो, या तो ब्लड पास करेंगे या ब्लड वेसल्स पास करेंगे। तो इसमें भी एंटीरियर टू पोस्टीरियर कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करेंगे। सबसे पहले है स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एक ही होती है, और उसके बाद बिल्कुल सेंट्रल में जो वेरीफाई कर रहा है, दिस इज मेडुला ओब्लॉन्गा डेटा। क्योंकि मेडुला फोरामेन से जैसे पास करेगा वो स्पाइनल कॉर्ड में चेंज होगा, ऐसे मेडुला जैसे इससे पास करेगा वो किस में चेंज हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या है, मेडुला विद इट्स मेनिंजियम। तो रेड कलर में दिखाया है ये मेनिंजियम, मेडुला विद इट्स मेनिंजियम। फर्स्ट क्या था, स्पाइनल एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, सेकंड इज मेडुला विद इट्स मेनिंजियम, थर्ड इसके दोनों तरफ ये वर्टिकल आर्टरी, वर्टिकल आर्टरी विद इट्स सिंपैथेटिक ट्रंक, सिंपैथेटिक प्लेक्सस। इस आर्टरी का नाम नर्व का एक प्लेक्सस होता है जो आर्टरी के साथ साथ चलता रहता है। तो इसका क्या है, इसका कंटेंट वर्टिकल आर्टरी क्यों बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वर्टिकल आर्टरी विद सिंपैथेटिक प्लेक्सस। उसके बाद ये जो मैंने ब्लैक कलर में दिखाया है, किसी स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। उसके बाद पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, यहां पे था एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, यहां पे पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एक होती है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी दो होती है। उसके बाद ये जो साइड में दिख रहा है, दिस इज टॉन्सिलर पार्ट ऑफ सेरेब्रम, टॉन्सिलर पार्ट ऑफ सेरेब्रम भी कभी-कभी फोरामेन मैग्नम में दिखाई देता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टॉन्सिलर पार्ट ऑफ सेरेब्रम। अब ये तो इसके कंटेंट हो गए, इससे पास करते हैं, इसके मार्जिन से एंटीरियर मार्जिन और ये पोस्टीरियर मार्जिन, ये देखो ये एंटीरियर मार्जिन और ये इसका पोस्टीरियर मार्जिन। एंटीरियर मार्जिन पे जो अटैच है उसे हम बोलते हैं एंटीरियर अटलांटो ऑक्सिपिटल मेम्ब्रेन, एंटीरियर अटलांटो ऑक्सिपिटल मेम्ब्रेन। और जो पोस्टीरियर मार्जिन पे अटैच होगी उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर अटलांटो ऑक्सिपिटल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे एटलस लग जाएगा तो एटलस के साथ ये जॉइंट बनाएगा, तो एटलस और उसके फोरामेन लैंगुएम के मार्जिन पे मेम्ब्रेन अटैच होगी पाइपल स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलेंगे एंटीरियर ट्रंक ऑक्सिपिटल मेम्ब्रेन। और जो पीछे अटैच होगी उसके मार्जिन पे उसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर अटलांटो ऑक्सिपिटल मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चर कुछ मिला के कितने हैं, 10 स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके थ्रू पास करते हैं, और दो अटैच हैं इसके मार्जिन पे, और टेंपो अटलांटो ऑक्सिपिटल मेम्ब्रेन इंटीरियर इंटीरियरली पोस्टीरियर पोस्टीरियर। स्ट्रक्चर को हम काउंट करें, सबसे पहले एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस, इसके बाद मेम्ब्रेना टेक्टोरियम, एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस, उसके बाद ये अपर बैंड ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट, फिर मेम्ब्रेना टेक्टोरियम, फिर एलार्ज लिगामेंट विद डेंस टिप ऑफ डेंस, फिर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, फिर मेडुला ऑब्लॉन्गेटा विद इट्स मेनिंजियम, वर्टिकल आर्टरी विद सिंपैथेटिक प्लेक्सस, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, टॉन्सिल ऑफ सेरेब्रम, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी।